सामान्य विधानसभा निर्वाचन 2022 के तहत जनपद सिद्धार्थनगर में छठे चरण में मतदान होने हैं, जिसको मद्देनजर जनपद के पांचों विधानसभा में प्रत्याशियों के द्वारा अपने अपने विधानसभा में डोर टू डोर जनसंपर्क तेज कर दिया गया। जैसे कि बता दें कि जनपद में 3 मार्च को छठे चरण में मतदान होंगे, जिसके क्रम में 304 बांसी विधानसभा से भाजपा से प्रत्याशी आरएस पांडे के द्वारा अपने समर्थकों के साथ बांसी विधानसभा में डोर टू डोर जनसंपर्क कर अपने पक्ष में मतदान की अपील की जा रही है, तो जहां उन्हें लोगों से अपने पक्ष में भारी समर्थन भी मिल रहा है। जनसंपर्क के दौरान 304 विधानसभा के भरमा, बथुआ, पचपेड़वा, बेलावा और सकारपार गांव में जनसंपर्क कर लोगों से अपने पक्ष में मतदान कर जीत दिलाने की अपील की, तो प्रदेश में बसपा की सरकार बनाने की अपील भी की गई। जनसंपर्क के दौरान मीडिया से बात करते हुए आरएस पांडे ने बताया कि क्षेत्र में लगातार बढ़ रहे जन समर्थन को देखते हुए पिछले कई दिनों से अन्य पार्टी से लगभग सैकड़ों पदाधिकारियों, कार्यकर्ता, बसपा के सदस्य लेकर उनके जनसंपर्क में कदम से कदम मिलाकर चल रहे थे। साथ ही उन्हें बांसे 304 विधानसभा का सभी सम्मानित जनता पर भरोसा है कि उनके साथ है और उनको जीत भी मिलेगी। देखा जाए तो यूपी चुनाव में हर पार्टी का प्रत्याशी यही दावा कर रहा है, लेकिन जब सिद्धार्थनगर में छठे चरण में मतदान होगा, उसके बाद जब परिणाम आएंगे, तभी यह तय होगा कि जनता ने किसके चेहरे पर मुहर लगाई है। क्या रेस्पॉन्स आपको मिल रहा है क्षेत्रवासियों से? पहले तो आप सबका इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रेस मीडिया का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार व्यक्त कर रहा हूँ। और क्षेत्र में चलने से हमारी जनता मेरे साथ है और बहन मायावती जी को पांचवी बार मुख्यमंत्री बनाने का संकल्प पूरी जनता ले चुकी है और बांसी नहीं सिद्धार्थनगर की पांचों सीट की सीटें बहन जी की झोली में जा रहा है। विकास इस समय क्षेत्र में आप रणप तो कर ही रहे हैं, लेकिन विकास को लेकर क्या ऐसी कमियां आपको नजर आ रही हैं कि जिसके ऊपर और हमको आगे काम करना चाहिए? विकास तो जमीनी स्तर से दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा है। 32 साल से जमीनी स्तर से आपको हॉस्पिटल नहीं है, और जहाँ हॉस्पिटल है वहाँ डॉक्टर नहीं है, और जहाँ डॉक्टर भी अगर मिल जाएंगे तो मेडिसिन नहीं मिलेगा। शिक्षा तो ऐसा धरातल पे जैसे सदियों से पड़ा हुआ खाली दिखावा गया है कि हाँ ये शिक्षा का काम हो रहा है। अभी तक क्षेत्र में राजा साहब तो चुनाव फाइट करते रहे थे, अब आपकी विधानसभा में 3 ब्राह्मण चेहरे हैं, उनको लेकर हमारी जनता हमारे साथ है। 3 ब्राह्मण लड़ेंगे, वो अपने अपने स्तर से लड़ेंगे। हम बहन जी जो मेरे पे भरोसा की हैं, वह 304 बासी का विधानसभा का बहन जी के झोली में जा रहा है, या जनता कह रही है और जनता मेरे साथ है, यहाँ का विजय निश्चित है। सर, जो जन समर्थन आपको प्राप्त हो रहा है, अभी जल्दी में बहुत सारे कार्यकर्ता आपसे जुड़े हैं, उस संदर्भ में आप क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, जनता जुड़ रही है और अभी भी जुड़ते जा रही है। प्रतिदिन आप देख रहे हैं कि हम सपा छोड़ के बहुजन समाज पार्टी में ज्वाइन हो रहे हैं और तादाद में ज्वाइन हो रहे हैं, सैकड़ों की संख्या में। हम प्रतिदिन आप लोगों को दे रहे हैं कि हमारे साथ जुड़ रहे हैं, नाम के साथ दे रहे हैं, तो ऐसे जुड़ते जा रहे हैं या एक कारवा बनते जा रहा है। क्षेत्र में सर जनता का समर्थन आप चल रहे हैं, तो क्या लग रहा है, कैसा समर्थन कैसा मिल रहा है, जनता का सहयोग कैसा प्राप्त हो रहा है? जनता का सहयोग मेरे साथ है जी। और बांसी के लिए जिसको लड़ना मुझसे लड़ेंगे, हम किसी से हमारी लड़ाई नहीं होती है, क्योंकि जनता मेरे साथ है। तो बहन जी के झोली में बांसी विधानसभा का सीट है। क्या उद्देश्य होंगे सर, क्या विजन है आपके? 2007 से 12 में जो भी विकास बहन जी की हैं, उसी को लोग मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं, उससे भी अधिक बहन जी का जो निर्देश रहेगा वो हम विकास करने के लिए तत्पर रहेंगे। जनता को कहीं से कोई तकलीफ नहीं आने पाएगी, यह मैं संकल्प दे रहा हूँ।